दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने राजनीतिक के क्षेत्र में कदम रख लिया है। रविवार को उन्होंने आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। कार्यक्रम के दौरान सुनीता केजरीवाल पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कोंडली इलाके में पार्टी समर्थकों के साथ बातचीत की। सुनीता केजरीवाल रोड शो के दौरान अपनी गाड़ी के सनरूफ में बाहर खड़ी होकर मतदाताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिए जाने के बाद सुनीता केजरीवाल अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण आम आदमी पार्टी का चेहरा बनकर उभरी है। यह रोड शो दिल्ली में सुनीता केजरीवाल की पहली आधिकारिक सभा है। रोड शो के दौरान सुनीता केजरीवाल ने कहा, आपके सीएम और मेरे पति अरविंद केजरीवाल को पिछले एक महीने से जेल में रखा गया है। किसी भी अदालत ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है और जांच जारी है। अगर जांच 10 साल तक चलेगी तो क्या उन्हें 10 साल तक जेल में रखा जाएगा? पहले अदालत द्वारा किसी को दोषी ठहराए जाने तक ही लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन वे एक नई व्यवस्था लेकर आए हैं और कह रहे हैं जब तक जाँच चलेगी तब तक उन्हें जेल में रखा जाएगा। ये तानाशाही है। वहीं सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 22 साल के डायबिटीज के मरीज हैं और 12 साल से इंसुलिन पर हैं। जेल में उन्हें इंसुलिन देने से इनकार कर दिया गया है। क्या वे अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं? मैं जानती हूं कि आप उनसे प्यार करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है, उसकी गलती क्या है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने स्कूल बनवाए, मुफ्त बिजली मुहैया कराई और मोहल्ला क्लिनिक खोले। यह देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। अपने वोट की ताकत को पहचाने। 25 मई को हम तानाशाही हटाने और लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करेंगे। हम साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।